इस वक्त एक बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट और जो खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर पाबंदियों का ऐलान कर रही हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने आज गुरुवार को इन्हीं पाबंदियों को संबंध में अहम जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में अभी वीकेंड लॉकडाउन को लेकर चर्चा जरूर हुई है, मगर इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार से चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, यानी मुंबई में कोई लॉकडाउन नहीं लगा है अभी तक। मुंबई में लोकल ट्रेन का संचालन बंद होगा, इस पर बड़ा सवाल है। पूरे देश में मुंबई कोरोना वायरस महामारी और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सबसे प्रभावित है। मुंबई बीते 24 घंटे में दर्जनों पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। अकेले मुंबई में ही अब तक 9000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या संक्रमण के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन एक बार फिर बंद होगी। इस पर गृह मंत्री ने लोगों को राहत देते हुए कहा कि मुंबई में फिलहाल लोकल ट्रेन बंद करने का विचार नहीं किया गया है, यानी मुंबई लोकल ट्रेन की रफ्तार नहीं थमेगी, चालू रहेगी मुंबई लोकल ट्रेन। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर बताया कि महाराष्ट्र और मुंबई में 80% बेड खाली पड़े हैं, ऑक्सीजन की मांग भी स्थिर है, बाद में फैसला लिया जाएगा।